आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा अमेजोन एप्लीकेशन में अपनी यूपीआई आईडी को कैसे रिमूव करते हैं। अगर आप लोग भी अमेजोन एप्लीकेशन को यूज करते हैं और आप लोग ने भी अपनी यूपीआई आईडी को ऐड कर रखा था और अब आप लोग उस यूपीआई आईडी को रिमूव करना चाहते हो, तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा अमेजोन एप्लीकेशन में अपनी यूपीआई आईडी को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे हटाते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखो आखिरी तक, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग को जो है अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आने वाला है। उसके बाद आप लोग के सामने को ऊपर की तरफ थ्री लाइन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग को थ्री लाइन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग थ्री लाइन वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आने वाला है। आप लोग को इधर पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप लोग एक ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए अमेजोन पे वाला, तो आप लोग को अमेजोन पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर जो है आप लोग की यूपीआई आईडी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी ऊपर की तरफ। इधर पर आप लोग देख सकते हो अमेजोन पे यूपीआई आईडी, तो आप लोग को इधर पर क्लिक कर देना जहाँ पर लिखा हुआ है अमेजोन पे यूपीआई आईडी, तो आप लोग को इधर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आने वाला है और उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाता है। तो आप लोग को थोड़े से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आप लोग की यूपीआई आईडी आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है, तो आप लोग को थोड़े से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब जैसे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आप लोग को एक ऑप्शन मिलने वाला है, मोर ऑप्शन, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग को इधर पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और आप लोग को एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा नीचे की तरफ, डीएक्टिवेट अमेजोन पे यूपीआई आईडी। तो आप लोग को डीएक्टिवेट अमेजोन पे यूपीआई आईडी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आने वाला है। आप लोग को करना इधर पर लिखो यस डीएक्टिवेट अमेजोन पे यूपीआई आईडी, तो आप लोग को यस डीएक्टिवेट अमेजोन यूपीआई आईडी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग की जो अमेजोन की यूपीआई आईडी है वो रिमूव हो जाती है। कुछ इसी तरह से आप लोग रिमूव कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।